पत्थर पे ले ले। Okay, so hey guys, what's up? Welcome back to the channel. कैसे तुम लोग? I hope all of you are doing absolutely fine. Welcome back to another vlog. एक हफ्ते बाद सीधा vlog आ रहा है. I know, मैंने break ले लिया and अब वापस आ चुके हैं. अब regular content आने वाला है and एक surprise भी आप लोग के लिए काफ़ी जल्दी आने वाला है. तो अभी सुबह के बज रहे 9:30 एंड हम लोगों को जाना है अभी कहीं घूमने. तो घूमने जाने कहाँ जा रहे हो मैं आपको बाद में बताऊँगा, बट उससे पहले आपको एक चीज़ दिखाता हूँ. गाइस, अब मौसम देख रहे हो बाहर कितनी धूप है, कितनी ज़बरदस्त तरीके से धूप हो रही है. एंड टेम्परेचर आप बिलीव नहीं करोगे, अभी हो रहा है -4 degrees इतनी धूप के अंदर. एंड ठंड है आज काफ़ी ज़बरदस्त, तो धूप से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठंड एक नंबर है. तो चलते हैं, पहले रेडी होते हैं बिकॉज 10 o'clock तक मेरे को वहाँ पहुँचना है एंड अभी 9:30 हो रहे हैं. तो रेडी होके सीधा मिलता हूँ. फाइनल आउटफिट कुछ ऐसा है एंड ठीक लग रहा है. तो अब मेरे को पैक करना है अपना टेक बैग जिसके अंदर गिम्बल चार्जर वगैरह रखना है, फटाफट से वो कर लेते हैं. अभी के लिए कुछ सेटअप गाइज मैंने ऐसा कर लिया है, देखो काफ़ी क्लीन हो गया है. दो वो वाला मॉनिटर वापस से वर्टिकल करके लगा लिया है, ये गोप्रो ये सब सारा करके. गोप्रो मैं लेके नहीं जा रहा हूँ, फ़ोन से काम हो जाएगा आज. एंड हाँ, चेयर भी ओपी हो गई है. तो आज हम ये वाले बूट्स पहनेंगे, ये नया आए हैं अभी डीकैथलॉन के एंड स्नो बूट्स हैं, थोड़े ज़्यादा कम्फर्टेबल हैं तो ये पहनता हूँ, फिर चलते हैं. अच्छी खासी धूप है बाहर तो, लेकिन टेम्परेचर -2 बता रहा तो होगा ही -2. एंड इधर काम चल रहा है खूब सारा, देख के चलना पड़ेगा. तो आज हम लोग जाने वाले CRV के अंदर. नंबर में हाइड कर देता हूँ एंड पूरी गंदी हो रही है, सारी मिट्टी मिट्टी हो रही है, अभी साफ नहीं है बट अंदर से तो साफ है. तो इसमें जाएंगे, 4x4 हो चुकी है, स्नो राइड आप लोग देख रहे हो. मास्क आने भूल गया था गाइस, मास्क ले लिया. अब चलते हैं वापस, मेरी एक्सरसाइज इसी में हो गई है. देखा गाइस आपने कैसा हुआ, अभी 2-3 ट्राई और कर रहे हैं, तो देखो एंजॉय करो इसे. चलो आपको जाओ, पर एक जाओ.
दो बार गिरने के बाद गाइस फाइनली निकल गए सीआरवी। अब ऊपर चल रहे कम से कम 5-7 बंदे पूरे मिलके पूरा धक्का मारा तो जाके निकली गए। और जिप्सी तो एक बार में निकल गई, कैंपर भी एक बार में निकल गया, सीआरवी को खींच खींच के निकाल लिया आपने देखा ही निकल गई। उफ गाइस, सिनेमैटिक्स बनाने के लिए मेरे को गाड़ी से उतरना पड़ रहा है और मैं डंडे के साथ चल रहा हूँ। भाई साहब इतना सॉफ्ट आइस है ना, दिस इज क्रेजी, बिकॉज बहुत मेरे को जीरो ग्रिप मिल रही है। मैं डंडे के भरोसे चल रहा हूँ, पीछे से गाड़ी अभी आ रही है तो मैं ज़्यादा शूट नहीं कर रहा हूँ, तो आपको सिनेमैटिक्स देखने को मिलेंगे, बट दिस इज हेल ऑफ एन एक्सपीरियंस। हट जाते हैं एंड बिकॉज बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकते तो मैं रुक ही जाता हूँ, गाड़ी आ रही है आगे से तो हट जाते हैं, बिकॉज दिक्कत क्या होगी ना, स्लिप हो गया तो गाड़ी में के बीच में भी आ सकते हो तुम लोग। ये देखो गाइस, देखो मैं कहाँ वॉक कर रहा हूँ, कर अभी फिलहाल मेरी वॉक देखो कहाँ वॉक कर रहा हूँ। एंड ये सारा ना डाउन हिल है तो मेरे को थोड़ा मुश्किल हो रही है चलने में। ये अभी भी ठीक है पता है, ये ना फिर भी थोड़ी वो है, सॉफ्ट है तो तुम इस पर चल सकते हो, नहीं तो बहुत ही मुश्किल है। गाइस सेठन का व्लॉग किस किस को याद है, ये तुमने देखा था ना कैसा था, अभी देखो कैसा हो गया है। ये देखो गाइस सारा ये वही एरिया है जहाँ पे लोग आ रुकते हैं सेठन, पूरा विलेज आगे हो माय गॉड, पूरा स्नो है, यू कैन नॉट इवन सी सम मिट्टी सम एनीथिंग, पूरा बर्फ ही बर्फ है तो देख सकते हो तुम लोग। ओ इग्लूज भी यहाँ पे, इग्लूज को भी देखेंगे अभी, लेकिन ये भाई क्रेजी नेक्स्ट लेवल एक्सपीरियंस। ये वाली जो स्नो है ना गाइस, ये तो ठीक है चलने के लिए बिकॉज उतनी फाइन नहीं हुई है, जो बिल्कुल पानी हो जाता है ना एकदम शीशा जो हो जाता है उस पर बहुत मुश्किल होती है चलने में। आगे हमारे सीआरवी खड़ी है बट ये ठीक है फिर भी चलने के लिए, एंड एनीवेज दिख तो है ही, तो दो बार गिर चुके, तीसरी बार अवॉइड करके गिरने का, देखते हैं बाकी। और यहाँ पे देखो शॉप्स वगैरह आ गई, सब विलेज है ये सेठन विलेज। चन तकरा बना दे तारे ने पसंद मैनू हेठा सहारे ला दे।